This is में पाएंगे, देखने को मिलेगी तो आज है हमारा फर्स्ट लेक्चर और आज की क्लास में मैं बात करने वाली हूँ सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के बारे में एग्जाम right काफी सारे स्टूडेंट अभी इसी सोच में और इसी ख्याल में है कि किस चैप्टर से कितना आने वाला है या फिर सेक्शन ए में कितने आने वाले हैं क्योंकि टर्म टू का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है लास्ट ईयर से काफी ज्यादा चीजें चेंज हुई है तो लेट्स टॉक अबाउट दैट एक बार देखते हैं वॉट इज द ओवरव्यू ऑफ योर एग्जाम पेपर ये मैं नहीं बता रही हूँ सी बी एस ई के थ्रू ये गाइडलाइंस आई हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी तो सबसे पहले टाइमिंग का ड्यूरे लाइक एग्जाम टाइमिंग्स क्या होंगी ड्यूरेशन क्या होगा आपका एग्जाम पेपर का कितना टाइम दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम पेपर कंप्लीट करने के लिए सो टाइम विल बी अलॉटेड फॉर टू आवर्स एवरीबॉडी आपके पास दो घंटे का टाइम है आप उन दो घंटों में अपना एग्जाम पेपर आराम से अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उन दो घंटों में आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लाइक हाउ मेनी टोटल क्वेश्चन विल बी देयर कितने कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं कितने मार्क्स के और हर एक सेक्शन के को किस तरीके से अलग अलग तरीके से क्या क्या स्टेप्स में सॉल्व करना है इन सारी चीजों को जानने के लिए आप सभी लोगों को यह वीडियो एंड तक देखना है और डो नॉट वेट टू शेयर इट विथ All all. your friends, because we we are are new here and and expecting lots and lots of love from you all. So let's see, hoping for the best, fingers crossed. दो घंटे का टाइम होगा सॉल्व करने होंगे अब क्वेश्चन में सबसे पहले आप जब आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो ऊपर को जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं कुछ इस तरीके से अभी बताती हूँ हाउ डज योर क्वेश्चन पेपर लुक लाइक अभी आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आने वाले हैं उन जनरल इंस्ट्रक्शन वो जनरल इंस्ट्रक्शन के हर एक पेपर पर होते हैं स्पेशली मैथ्स के और आपको एग्जाम पेपर स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर की आप दो मिनट का टाइम या फिर एक मिनट का टाइम एटलीस्ट उन जनरल इंस्ट्रक्शन को दे रहे हो बिकॉज रीडिंग दो जनरल इंस्ट्रक्शन विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आप तो चलिए तो वो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं एवरी ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से दिखने वाला है वो क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग में कुछ चार पांच लाइंस में आपको दिख जाएगा तो हाउ जो क्वेश्चन पेपर विल गोना लुक लाइक द क्वेश्चंस पे द क्वेश्चन पेपर विल बी कंसिस्टिंग ऑफ फोर्टीन क्वेश्चंस एवरीबॉडी आप सभी लोग देख सकते हो द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ फोर्टीन क्वेश्चंस व्हिच आर डिवाइडेड इंटू थ्री डिफरेंट सेक्शन सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन

आप सभी देख सकते हो सेक्शन ए में छह क्वेश्चंस दिखेंगे आपको जिनका हर एक क्वेश्चन विल बी ऑफ टू मार्क्स लाइक सेक्शन ए कंप्राइज ऑफ सिक्स क्वेश्चन ऑफ़ टू मार्क्स ईच एवरीबॉडी इंटरनल चॉइस आपको हर एक क्वेश्चन में मिल सकती है like, लाइक दो क्वेश्चंस के बीच में आपको इंटरनल चॉइस मिल सकती है हर एक क्वेश्चन में मिले दिस इज़ नॉट नेसेसरी लेकिन आपको कुछ इंटरनल चॉइसिस मिलती हैं क्या याद रखना है कि सेक्शन ए में हमारे छ क्वेश्चंस होते हैं हर एक क्वेश्चन होता है हमारा दो नंबर का दैट मींस आपका टोटल सेक्शन ए हुआ बच्चा लोग सेक्शन ए विल बी ऑफ मार्क्स राइट तो अच्छे से ये करके जाना है ट्वेल्व मार्क्स बिल्कुल हमारे फिक्स होंगे आई एम रियली सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग इट्स वेरी बैड अभी मैंने नोटिस किया आई ट्राई टू राइट इट इन अ बेटर वे चलो आपके लिए लिखा हुआ है आप देख सकते हो ठीक है तो सेक्शन ए पूरा बारह चालीस नंबर का पेपर है सेक्शन ए है आपका केला एक छोटा सा सेक्शन ए ही आपका बारह नंबर का है तो ध्यान रखना है ठीक है कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे सॉल्व करना है गोना टेल यू वॉच द वीडियो टिल द एंड चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं फोर क्वेश्चंस थ्री मार्क्स ईच मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी का वेटेज बिल्कुल सेम है ट्वेल्व मार्क्स सेक्शन ए ट्वेल्व मार्क्स सेक्शन बी बट नंबर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन बी में थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं सेक्शन बी कम्प्राइजेस ऑफ फोर क्वेश्चन एवरीबरी थ्री मार्क्स ईच चार क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन थ्री मार्क्स का होता है इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन दी वन क्वेश्चन लाइक आप जब सेक्शन बी में जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जिसमें आपको इंटरनल चॉइस डेफिनेटली मिलने वाली है कुछ बच्चे काफ़ी स्मार्ट बनते हैं वो सोचते हैं कि यार चॉइस गिवन है मुझे चॉइस वन भी क्वेश्चन आता है चॉइस टू का भी क्वेश्चन आता है लेकिन प्लीज ये चीज़ मत करना कि आप दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो आप जिस क्वेश्चन पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो या फिर आपको लगता है कि आपको दोनों क्वेश्चन आते हैं आप किस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिख सकते हो प्लीज़ ऑप्ट दैट क्वेश्चन ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है ज़्यादा पढ़ाई ज़्यादा आता है अच्छी बात है लेकिन हमें अपने एग्जामिनर को नहीं दिखाना है यू हैव टू अटेंड ओनली वन क्वेश्चन अगर चॉइस है जो क्वेश्चन बेटर आता है जो क्वेश्चन आपको लगता है ये ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल होगा गो दैट ठीक है चलिए इसी के साथ बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में बच्चा लोग देखो सेक्शन सी में अब ये सेक्शन सी जो है ना ये थोड़ा सा वेटेज वाला टोटल पेपर चालीस नंबर का है बारह नंबर ले गया सेक्शन ए बारह नंबर ले गया सेक्शन बी कितने हो गए चौबीस नंबर का पेपर आपका हो गया है अब बाकी का बचता है मार्क्स का पेपर तो ये जो मार्क्स का वेटेज है ये दिया गया है सेक्शन सी को जिसमें आपको फोर क्वेश्चन मिलेंगे फॉर फोर मार्क्स ईच मतलब आपने जो आपका प्रॉपर लंबा बड़ा लंबा चौड़ा वाला क्वेश्चन होता है अच्छा वाला क्वेश्चन होता है वो आपको मिलेगा सेक्शन सी में अगेन ऐसा कुछ नहीं काफी सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम कौन सा सेक्शन हम पहले अटेंड करें लाइक सेक्शन ए अटेंड करना बिल बी बेटर पहले बी अटेंड करें या फिर हम स्टार्टिंग ही सी से करें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट आप एक बार क्वेश्चन को प्लीज अटेंड करने से पहले क्वेश्चन मिला लिखना स्टार्ट कर दिया प्लीज़ अवॉइड दैट प्लीज अवॉइड दैट व्हाट यू हैव टू डू आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला है आपके पास पहली रीडिंग टाइम होता है क्वेश्चन पेपर को अच्छे से गो थ्रू कर लो आप देखो जो स्टिक द क्वेश्चन की आपको कौन कौन सा क्वेश्चन अच्छी तरीके से यू कैन सॉल्व इट इन अ कॉन्फिडेंट मैनर आपको लगता है कि सेक्शन सी मुझे बेटर वे में आता है प्लीज ऑप्ट दैट आपको लगता है मुझे सेक्शन ए अच्छे से आता है सेक्शन ए अटेंड कीजिए आपको लगता है सेक्शन बी में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है मुझे क्वेश्चन की तो आप वो वाला अटेंड कीजिए किसी भी ऐसा कहीं भी डिग बुक

12 मार्क्स का ट्वेल्व मार्क्स मतलब सिक्स क्वेश्चन ऑफ टू मार्क्स ईच ठीक है छः क्वेश्चन आपको मिलेंगे छः मार्क्स के एक बार मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ओके okay, तो अब बारी आती है स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैम दो नंबर का क्वेश्चन है कितना लिखा जाए और किस तरीके से मार्किंग स्कीम होती है या किस तरीके से अपना क्वेश्चन जो होता है वो सेल्फ डिवाइडेड होता है लेकिन अपने को किस तरीके से स्टेप्स शो करने हैं दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन आता है यार बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है यार मैं तो मतलब ए ये क्वेश्चन तो मैं रट के आया था इसका तो मैं आंसर न्यू लिख दूंगा आंसर आपको सीधा नहीं लिखना है भले दो नंबर का क्वेश्चन हो या चार नंबर का क्वेश्चन हो जो प्रॉपर स्टेप्स होते हैं यू हैव टू राइट प्रॉपर स्टेप्स आपने एक इक्वेशन पढ़ी एक्स प्लस इज इक्वल टू टू सिंपल बेसिक इक्वेशन है x प्लस फाइव इज इक्वल टू टू अब आपने जैसे ये इक्वेशन देखी आपको पता है भाई आंसर हो जाएगा इसका x इज इक्वल टू माइनस थ्री आपने ये बहुत बेसिक से एग्जांपल बताया मैंने आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया x इज इक्वल टू माइनस थ्री कहां से आया माइनस थ्री आई डोंट नो जो आपकी टीचर बैठी है कॉपी चेक करने के लिए जो भी एग्जामिनर हैं उनको नहीं पता आपको इसको प्रॉपर स्टेप में दिखाना होगा ट आई शो यू मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगा कि किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक हाउ टू सॉल्व द हाउ टू प्रेजेंट द क्वेश्चन बेसिकली ठीक है तो चलो इसी सैंपल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं फाइंड द रूट ऑफ द कोअर्डरेटिकवेशन ला बा लाभ लाभन है लेट्स फाइंड द रूट ऑफ देशन सो हेअर इज द्वेशन लाइक फाइंड ऑफ द कोवेशन थ्री एक्सक्वाइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो राइट right? तो अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं अब काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ओवर स्मार्ट हमें तो आ, बहुत इजी क्वेश्चन है हमें तो आता है एक्स की वैल्यू डैश 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 हम सीधा लिख देंगे X का वैल्यू जो भी आएगा ऐसे नहीं करना है प्रॉपरली क्वेश्चन को सॉल्व करो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करो देखो किस तरीके से जस्ट अ लेट मी चेंज द कलर थोड़ा डार्क कलर ले लेती हूँ जिससे आपको बेटर समझ में आए और राइट चलो लेट्स गेट स्टार्ट एवरी वन ओके सो योर इक्वेशन इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आप भी आपकी मर्जी है यू का कैन सॉल्व इट विद द फैक्टराइजेशन मेथड यू कैन सॉल्व इट विद योर कोऑर्डरेटिक फॉर्मूला एज वेल जिससे आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप उसको चूज करके उसको सॉल्व कर सकते हो ठीक है कोई ऐसे इफ एंड बट वाली बात नहीं है मुझे लग रहा है ये फैक्टराइजेशन से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा सो आई एम ऑप्टिंग फैक्टराइजेशन का मेथड कैसे होगा यू नो कोऑर्डेटिक इक्वेशन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एवरीबाडी राइट तो अभी हम क्या करेंगे फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमें इस इक्वेशन को फैक्ट्राइज करना पड़ेगा ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं और ए इज सिक्स एंड सी इज एवरी बारी ए सी इज माइनस सिक्स एंड ए इज थ्री एवरी वन राइट तो लेट्स आर सॉल्विंग इट अफ सो माइनस सिक्स इंटू थ्री आपको कितना मिला आपको मिला भाई माइनस का एटीन राइट right? अब मिडिल स्प्लिट कर दो फट से सॉल्व कर देते हैं कितना हो गया ये थ्री एक्स क्वायर अपने को माइनस सेवन एक्स लाना है प्लस माइनस करें तो माइनस सेवन एक्स आए और अगर आप उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो आपको ये वाला प्रोडक्ट आए यही तो हमें चाहिए होता है ए इंटू बी करें तो माइनस एटीन मिल जाए और ए प्लस बी करें तो हमें माइनस का सेवन मिल जाए दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट तो चलो और अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है अभी भी डाउट है नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी के रिलेटेड है आना मत भूलिएगा चलिए तो ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू जीरो सोल्व कर लेंगे कॉमन एक्स माइनस थ्री प्लस टू कॉमन आ गया एक्स माइनस थ्री नाउ वॉट विल बी द्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री ये हमारे दो ब्रैकेट्स आ गए राइट मेरे पीछे हियर ठीक है अभी आप इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे अभी तो कुछ नहीं बचा इसमें एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया ये माइनस का टू बाय थ्री एंड एक्स इज इक्वल टू हो गया बच्चा लोग थ्री ये आपका हो गया सोल्यूशन मेक श्योर sure कि जब भी आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं जो भी आपका फाइनल आंसर आ रहा है उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो अगर आप उसको बॉक्स में बंद करते हैं ना दूर से एग्जामिनर को दिख जाता है कि अच्छा बच्चे ने आंसर फाइंड आउट किया है अब देखो कि एग्जामिनर आपको किस बेसिस पर इस क्वेश्चन के मार्क्स देगा देखिए ये जो स्टेप है आपका दिस इज फॉर हाफ मार्क्स टू मार्क्स का क्वेश्चन है ये फर्स्ट स्टेप जो हमने किया मिडिल टर्म को स्प्लिट जो किया है तो स्प्लिटिंग का आपको आधा नंबर मिलता है फिर आपने क्या किया आपने कॉमन ले लिया इसका आधा नंबर हो गया आपके पास और ये जो आपने फाइनल आंसर निकाला है दिस विल बी फॉर योर वन मार्क्स एवरी इस तरीके से मार्किंग स्कीम होती है लाइक इस तरीके से एजुकेटर इस तरीके से आपके एग्जामिनर इस क्वेश्चन के मार्क्स देंगे तो हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है आप डायरेक्टली लिख देते हैं इसकी वैल्यू लाइक दिस कि भाई x की वैल्यू आई है माइनस टू बाई थ्री एंड थ्री तो ये सही होता है या गलत होता है इसकी कोई गारंटी नहीं लाइक आपको पूरे दो नंबर मिलते या नहीं मिलते पता नहीं मैं होती तो नहीं देती एग्जैक्टली ऐसे मेरे जैसे कोई और एजुकेटर होंगे तो दे वोंट गिव क्योंकि आपको अगर वो क्वेश्चन गिवन है यू हैव टू शो द स्टेप्स और मार्किंग कैसे होती है वो मैंने आपको बता दी तो स्टेप लिखना इज इंपॉर्टेंट एवरी ठीक है तो सबको समझ में आ गया कि सेक्शन ए में अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है चलिए आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं सेक्शन बी के बारे में तो सेक्शन बी में क्या बताया था आपको सेक्शन बी में आपको मिलेंगे फोर क्वेश्चंस फॉर थ्री मार्क्स फोर क्वेश्चंस विल बी देयर थ्री मार्क्स इच तो टोटल वेटेज हो गया भाई इसका कितना आपके पास टोटल वेटेज हो गया इसका ट्वेल्व मार्क्स का ट्वेल्व मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है तो अभी इसमें थोड़े से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपका हाई हो जाता है तो इसी में एक क्वेश्चन उठाते हैं जैसे मैंने आपको एक सेक्शन का का एक section B का दिखाते हैं कि, कि किस तरीके से आप उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं चलिए, सो so, अभी मेरा है AP का आ गया। चलो देखो क्या कह रहा है एक आपके

चलो तो अभी आप यहाँ पे सॉल्यूशन लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट अप जस्ट दिस ऑलराइट तो a b क्या है हमारे पास 5 8 11 dash, 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 और आपके पास n का वैल्यू गिवन है बेटा 40 दैट मींस यू गाइस आर हैविंग 40 टर्म्स हियर तो हम एक बार लास्ट टर्म की वैल्यू निकाल लें an टर्म का वैल्यू क्या होगा सो लेट्स फाइंड इट अप हम सभी को पता है व्हाट इज द फार्मूला एवरीवन an इज इक्वल टू a n, a plus n minus 1

ठीक okay? है एंड मार्क्स का ए फोर्टी निकाल लिया everybody. अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट टेन टर्म्स आपको एपी के लास्ट टेन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है टोटल टर्म्स कितने फोर्टी जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था दिस वॉज ऑलरेडी गिवन इन द्वेश्चन की आपके पास टोटल फोर्टी टर्म्स uh, है ने ने एपी, राइट? तो अगर आप उस टी को फ्लिप कर दो या फिर फ्लिप ना भी करो तो पीछे से आपको दस नंबर तक का

टेन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो क्या कर लेंगे अब हम a31 भी फाइंड आउट कर लेंगे लेट मी चेंज इट द कलर ओके नई स्लाइड पे लिख लेते हैं ना चलो ठीक है नई स्लाइड पे लिख लेते हैं हम्म तो अब a31 फाइंड आउट करेंगे क्यों a31 थर्टी वन विल बी एक्टिंग एज अ फर्स्ट टर्म क्योंकि आप लास्ट से सम फाइंड आउट करें ए थर्टी वन विल बी वॉट ए प्लस लेट्स पुट द वैल्यूज सो What will be the values? A was 5 plus 30, D was 3. So it will be 5 plus 90. That is equal to A थर्टी आ गया आपके पास 95. बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है सब लोग ध्यान से देखेंगे हमारे पास A थर्टी की वैल्यू हो गई अब हमें लास्ट uh, के टेन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना था किस तरीके से हो जाएगा हमें पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a plus n minus 1 into d right we can also split this formula like n upon 2a plus a n last term so this formula comes basically s n will be equal to yaphit s 10 hum last say so n is what 10 upon 2 it will be a 31 plus a 40 now s

okay so 1085 is the sum for the last 10 uh, digits of this ap is ap ka ye 5 8 dash uh, dash 5 8 11 to ap thi agar hum is ap ke last 10 terms ka sum find out kare then your answer will be everyone here this is your answer got it अच्छा आपको ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो एक सेकेंड मैं इसको एक काम करती हूँ I'll just crop it. एंड लेट मी शिफ्ट दिस ह्योर अभी दिखेगा शायद आपको आई गेस इट इज विजिबल नाउ राइट अच्छा इसको भी करना था एक सेकेंड लेट मी डू एट इस पूरे को उठाते हैं और थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं जिससे कि आपको दिख जाइए क्लियरली right, और राइट चल और यहाँ पर एन बाई टू आई गेस ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है एंड दीज आर द स्टेप्स जिससे कि आपको पूरे के पूरे तीन नंबर मिलेंगे इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा ये जो आपने ये टर्म फाइंड आउट किया इसका वन एंड अ हाफ मार्क्स होगा बच्चा वन एंड अ हाफ मार्क्स और ये जो आपने रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व किया है इसका आपको वन एंड अ हाफ मार्क्स मिलेगा सो दैट स हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है मजे में नहीं लेना है खूब अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्म में अपने को आंसर्स लिखने गॉडेड एवरी बारी चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की बात करते हैं सेक्शन सी में होते हैं आपके टूल्व मार्क्स का होगा आपका सेक्शन सी सिक्सटीन मार्क्स का होगा माए बार सिक्सटीन मार्क्स का होगा आपका सेक्शन सी एवरी वन जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फोर क्वेश्चन मिलेंगे फोर क्वेश्चन फोर मार्क्स ईच तो मतलब क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा सा भट गया और आपको और ज़्यादा अच्छे से एलेबोरेट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा एक और स्पेशल चीज़ आती है सेक्शन सी में बच्चा लोग दैट इज सम स्पेशल क्वेश्चंस और उन स्पेशल क्वेश्चंस को कहा जाता है केस स्टडी आई गेस आप सब लोग ने काफ़ी सारे सैम्पल ऊपर सॉल्व किए होंगे कुछ आपने कुछ उसके पी वाई क्यूज देखे होंगे तो केस स्टडीज बेसिकली इस तरीके के दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आपके रियल लाइफ बेस्ड होंगे और आई गेस दीज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर क्यों क्योंकि वो चार क्वेश्चन चार नंबर का क्वेश्चन चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है देखो पार्ट वन पार्ट टू या तो वो पूरा चार नंबर का क्वेश्चन विल बी डिवाइडेड टू 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 मार्क्स, मार्क्स या फिर फोर पार्ट में वन मार्क ईच और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं आप मतलब लाइक uh, like, एक ओशन uh, है बीच में एक आइलैंड है आइलैंड के ऊपर एक लाइट हाउस बनाया हुआ है आप उस लाइट हाउस से जब आप उसके टॉप पर खड़े होते हो तो उसका एक शिप पास हो रहा है जब आप शिप का डिप्रेशन एंगल होता है गिवन है उस शिप से एलिवेशन एंगल गिवन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं बट मेक श्योर कि आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ें और समझें क्योंकि वो हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो बच्चा देख के ही घबरा जाता है कुछ नहीं है क्वेश्चन बहुत इजी होता है क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा रियल लाइफ से जोड़ने के लिए उसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी की जाती है बट घबराना नहीं है पढ़ो अच्छे से यू विल इट आप सो यस एवरीबॉडी आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा जिन भी बच्चों को मार्किंग स्कीम के बारे में नहीं पता था प्लीज जस्ट गो वॉच इट आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कजिन्स के साथ शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्प्रेड योर लव ऑल द वेरी 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 बेस्ट एवरीबॉडी आई नो आपने पढ़ाई की है बी रिटल कॉन्फिडेंट प्रैक्टिस करते जाओ अभी पाँचवीं का एग्जाम है मैथ्स का यू गाइज आर हैविंग टाइम प्रैक्टिस करो हो जाएगा